महादेव जी के बहुत सारे भक्तों को ये सवाल होता है कि क्या महादेव जी को कुमकुम लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो शंकर जी पर अष्टगन चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अबीर चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है, पर शिव पर रोली कुमकुम नहीं चढ़ता। शिव आगम जो महादेव जी के भक्तों के लिए बहुत ही अहम माने जाते हैं, तो शिव आगमों में हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है कि महादेव जी के अभिषेक के लिए जो शुद्धोदक बनाया जाता है उसमें कुमकुम का प्रयोग किया जा सकता है। महादेव जी को जो गंध लगाया जाता है तो उस गंध में भी कुमकुम का प्रयोग किया जाता है। लिंगाष्टकम में भी ये कहा गया है कि शिवलिंग को कुमकुम लगाना चाहिए। लिंगाष्टक के अंतर्गत किया कि कुमकुम चंदन शिवलिंग है, ये माता पार्वती का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी, राइट लेफ्ट भगवान के पुत्र, ऊपर पांच कन्या। कुमकुम जब भी शंकर को चढ़ाओगे पार्वती का स्थान वहीं पर आप चढ़ाएं। अब ये जो बात कर रहे हैं ये वेदिका की बात कर रहे हैं, ये शिवलिंग की बात नहीं कर रहे, तो उन्हें जानना चाहिए कि वेदिका और शिवलिंग में अंतर होता है। शिवलिंग तो महादेव जी का निर्गुण स्वरूप है, सगुण स्वरूप के लिए महादेव जी के कोई फोटो हो या फिर मूर्ति हो उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जब निर्गुण की आराधना करनी हो तो लिंग की आराधना की जाती है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग लिंग को ही सगुण बनाने की कोशिश करते हैं। शिवपुराण में भी हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि महादेव जी की आराधना में कुमकुम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी महादेव जी के भक्त इस दुविधा में पड़े हैं कि क्या कुमकुम का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो शिवपुराण हो शिव आगम हो इनमें हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि कुमकुम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जीवन 100 वर्षों से अधिक नहीं होता। जो लोग इस प्रकार से गलत ज्ञान बांट रहे हैं वो अपने मन में कम से कम थोड़ा तो ये समझ ले कि जो गलत ज्ञान वो लोगों को बांट रहे हैं तो क्या ये गलत ज्ञान मृत्यु के उपरांत जो भी हमारी गति हो तो क्या गति में वो बाधक हो सकते हैं। खैर, ये तो कलयुग का महिमा।